नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। एशियन चैंपियन श्रीलंका विश्व कप क्वालिफायर के पहले ही मुकाबले में हार गई। जी हां, आज से आगाज हुए महासंग्राम के पहले ही मुकाबले में हमें पलटवार देखने को मिला। किसी ने नहीं सोचा होगा कि पिछले महीने ही एशिया कप की ट्रॉफी उठाने वाली टीम श्रीलंका को नामीबिया जैसी टीम 55 रन के बड़े अंतराल से हरा देगी। आज श्रीलंका के हार के बाद हम कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि विश्व कप कौन सी टीम जीतेगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल सा लग रहा है। वैसे मैं विश्व कप क्वालिफायर के पहले मुकाबले की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जिसके बाद नामीबिया ने अपनी पहली पारी के पहले 3 विकेट पावर प्ले में ही खो दिए थे। लेकिन उसके बाद छोटी छोटी और अहम साझेदारी बनते चली गई और टीम ने 20 ओवरों में अपने 7 विकेट खोकर महज 163 रन बना लिए, जिसकी शुरुआत में उम्मीद भी नहीं नजर आ रही थी। नामीबिया की तरफ से रहे स्टार खिलाड़ी जेन फ्राइलिक ने अपनी टीम के लिए तेज खेला और 28 गेंदों पर 44 रन बना डाले। इसी के साथ उन्होंने गेंदबाजी करते हुए भी अपने 4 ओवरों में 2 विकेट हासिल किए। वहीं इसके अलावा जेजे स्मिथ ने भी नामीबिया की बल्लेबाजी पारी का फिनिश तूफानी अंदाज में किया और 16 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन की जबरदस्त पारी खेली। स्मिथ ने भी श्रीलंका को 3 ओवर फेंक कर उनके एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं नामीबिया से मिली 164 रन का लक्ष्य कहीं से भी बड़ा नहीं था श्रीलंका के लिए, पर ना तो टीम की ओपनिंग जोड़ी चली और ना ही कोई मिडिल ऑर्डर में पारी को संभालने वाला था। श्रीलंकाई खेमे के विकेट लगातार गिरते ही चले जा रहे थे। श्रीलंका के कप्तान धशुन शानका ने ही अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा 29 रन की पारी खेली। वहीं उनके अलावा 20 रन की पारी भानुका राजापक्षा ने खेली। बाकी खिलाड़ी नामीबिया के सामने बिल्कुल ही फिसड्डी साबित हुए। नामीबिया की तरफ से गेंदबाजी भी काफ़ी कसी हुई की गई थी। श्रीलंका को उन्होंने एक एक रन के लिए तरसा दिया। प्लेयर ऑफ द खिलाड़ी फ्रैंकलिन के अलावा डेविड विज, वेन शिकागो और बनराय स्क्रूड्स ने भी अपनी टीम के लिए 2-2 विकेट हासिल किए। श्रीलंका टीम भी कभी नहीं सोची हुई कि ऐसा भी उनके साथ होगा। अब देखना है कि श्रीलंका अब इस टूर्नामेंट में कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि इस मुकाबले को देखने के बाद लगता है कि श्रीलंका को अपनी नेट्स में अभी और समय बिताने की ज़रूरत है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।